छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस के बीच घमासान सुनाई और दिखाई पड़ने लग गई है। अब तो कार्यक्रमों को भी हड़पने का खेल शुरू हो गया है। मामला कुनकुरी का है, जहां विधायक द्वारा पुलिया और रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया जाना था, वहां तय समय से पहले ही सांसद ने जाकर पुलिया का भूमि पूजन और रेस्ट हाउस का उद्घाटन कर दिया। कांग्रेस और विधायक के लोग देखते ही रह गए। इसको लेकर दोनों के बीच में अब जुवानी जंग भी शुरू हो गई है। सुनिए कांग्रेस क्या कहती है और सांसद का इस बात पर क्या कहना है। देखिए, आज बड़ा खुशी का विषय है और दुलदुला विकासखंड क्षेत्र वासियों के लिए, पूरे जशपुर जिला वासियों के लिए बहुत खुशी का विषय है। ये 2016-17 में रेस्ट हाउस सेंक्शन हुआ था और बनते बनते अभी तैयार हो गया और आज उसका उद्घाटन करने के लिए पूरे दुलदुला वासी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी दुलदुला वासी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि ये रेस्ट हाउस का बहुत ही सदुपयोग होगा और पूरे क्षेत्रवासी, पूरा जशपुर वासी इसका उपयोग करेंगे और निश्चित है हम लोगों के लिए एक ग्रामीण क्षेत्र में एक रेस्ट हाउस हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये सेंक्शन हुआ था, आज पूर्ण हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है कि कोई भी विकास कार्य गांव हो शहर हो समान विकास होगा। आज ये रेस्ट हाउस उसका साक्षात उदाहरण है कि आज दुलदुला वासियों को के हाथ में हम लोग सुपुर्द करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जानते हो कि नहीं करते हो कि विधायक रोकता है, तो अधिकारियों ने कहा भैया हमारा कार्यक्रम 1 बजे का था, जिसका सूचना हम सांसद महोदया जी को विनम्रता पूर्वक आमंत्रण के लिए दिए थे, लेकिन वो कब आके कर दिए इसका जानकारी हमको नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ सांसद महोदया जी को, अगर उनके कोई निजी व्यक्ति यहाँ होंगे तो उनको कह दीजिएगा कि इस पुलिया में उनका कोई योगदान नहीं था, इसलिए इस मंच के माध्यम से बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था, इसीलिए चोरी छुपे सुबह सुबह आकर के पूजा करके चले गए। अगर उनका योगदान होता इस पुलिया में तो इस मंच के माध्यम से आज डंके की चोट में कहते हैं कि इस पुलिया में हमें ये चिट्ठी लिखे और माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी जिनको भी वो मानते हो, वो डंके की चोट में इस मंच से कहना था, क्योंकि आज मैं देख रहा था वो जो भूमि पूजन का जो पत्थर है उसमें दूसरे नंबर पे उन्हीं का नाम है, तो प्रोटोकॉल पता नहीं उन्हीं को नहीं पता होगा, इसलिए प्रोटोकॉल के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है। हमारे विभाग के जितने अधिकारी कर्मचारी बहुत ही सुलझे हुए हैं और हमारे अधिकारी बहुत अच्छे ढंग से काम कर